अभी निकले हुए हैं कोई, तो सामने ही रेलवे स्टेशन है तो वहाँ पे जा रहे हैं कोई। मशहद के लिए हमने ट्रेन बुक करवाई थी कोई, तो वो कोई हमारी ट्रेन बुक हुई है तो आगे की तरफ जा रहे हैं। तो आगे चल रहे हैं सब दोस्त, वो आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो ये वो चल रहे हैं, कुछ मेरे पीछे हैं, कुछ ये दो तीन आगे चल रहे हैं। तो स्टेशन की तरफ निकले हुए हैं, तो सामने ही कोई स्टेशन यहाँ से। तो हमारी कोई ट्रेन तो कोई हमारी 6 बजे, लेकिन उनका कोई टाइम रखा हुआ है 3 बजे पहुंचना होता है वहाँ पे। तो बाकी वहाँ पे वेट करेंगे, जब ट्रेन आएगी तो फिर उसमें बैठेंगे। तो अभी चल रहे हैं, जैसे पहुंचते हैं तो मैं सब आगे जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन हज़रत मासूमा रेलवे स्टेशन का नाम है, तो यहाँ पे हम पहुँच गए। कोई हमने फितक ट्रेन करवाई है 5 स्टार, तो टॉप क्लास है, तो वो हमने कराई है जो मैक्सिमम है, उसके बाद कोई नहीं है उसकी टिकट में। तो ये 5 स्टार है, तो आइए चलते हैं आगे करते हैं। आपको ट्रेन आ चुकी है तो हम आपको दिखा रहे हैं, ये चल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो आगे भी दिखा रहे हैं आपको फितक, ये 5 स्टार ट्रेन है, तो ये हमने बुक करवाई थी टॉप क्लास की, हमने टिकट ली है जो मैक्सिमम होती है, इसके बाद और कोई टिकट नहीं है। तो अंदर की तरफ आपको दिखाएंगे और भी आगे रिव्यू करवाएंगे। तो फिलहाल आगे चल रहे हैं लड़के, मैं भी जा रहा हूँ, तो बाकी का अंदर जाके आपको दिखाएंगे। अभी अंदर की तरफ हम जा रहे हैं, टिकट देख रहे हैं हमारी, ये सब लड़के खड़े हैं और सिंदूर चल रही है, तो सब रेडी हैं, अंदर जा रहे हैं, पहले टिकट दिखाएंगे। तो अरे भाई अंदर चले गए, हम रेल में फितक में 5 स्टार में एंटर हो चुके हैं, तो ये चल रही है अभी, तो अंदर का आपको रिव्यू करवाते हैं। तो ये कोई 5 स्टार है, तो ये सीटें हैं और ये यहाँ पे स्क्रीन भी लगाई हुई है और यहाँ पे कुछ मिनरल वाटर दिए हुए हैं और ये कुछ इसमें भी है, तो ये इसको खोलेंगे तब दिखाएंगे आपको। तो ये चल रही है, तो ये देखें यहाँ पे कोई रिमोट भी पड़ा हुआ है और ये बहुत ही बड़ी है, और ऊपर हमने कुछ बैग रख दिए है अपने, तो वहाँ पे कुछ यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है, तो ये बहुत ही बेहतरीन है और ये 5 स्टार ट्रेन है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें फितक 5 स्टार। तो ये कुछ सीन ऐसे है, तो आइए आपको बाहर की तरफ विजिट करवाते हैं। तो यहाँ इसकी केबिन बनी हुई है, तो ये कुछ ऐसे बहुत बेहतरीन है और ये कुछ ऊपर की तरफ ऐसे बनाई हुई है, कुछ यहाँ पे भी लिखा हुआ है फितक, तो सीन ऐसे है यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन ट्रेन है 5 स्टार। तो बाकी जो जो चीज़ें हमें मिलती हैं तो वो भी दिखाएंगे आपको अभी। हम अंदर की तरफ बैठ गए और ये हशमत भाई बैठे हैं और कासिम भाई भी थोड़ा सा लोग अपना शूट कर रहे हैं और असनैन भाई भी यहाँ पे बैठे हैं। कुछ यहाँ से धूप भी लग रही है, तो ये कुछ इन्होंने बाकी हमें वेलकम ड्रिंक आएगी वो दिखाएंगे आपको, बहुत ही बेहतरीन। ये कुछ अपनी सेल्फी निकाल रहे हैं कोई, तो बेहतरीन। तो अशमत भाई देख रहे हैं इसमें क्या है, अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, इसमें क्या है इसे? ये क्या था, टूथब्रश है, अच्छा ये हैंड फ्री है, अच्छा ये एक मास्क लिया है, अच्छा जरूर आपकी चीज है, हाँ ये लाजमी है। ये कुछ लड़के पिक्चर्स निकाल रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। तो असनैन भाई क्या कर रहे हैं? तो ये वेलकम ड्रिंक हमें ये जूस मिला है लेमन का, पियेंगे, और असनैन भाई को मिला है। तो जी ये ट्रेन चल चुकी है और ये आपको बाहर का व्यू हम दिखा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन व्यू है और ये शाम का टाइम है, तो ये
साथ में एक पटरी भी रेल की चल रही है, तो ये कुछ सीन ऐसे है यहाँ पे। तो एक और साइड से भी आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन सीन है। ये सनसेट का व्यू है, शाम का टाइम है, बहुत ही बेहतरीन ये व्यू आ रहा है, शाम का नज़ारा है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी। ये एक और साइड का व्यू है जो मैं दिखा रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन। इन्होंने हीटर लगाया हुआ है, बहुत ही ये गर्म हो रहा है। भाई ठंड बहुत है तो ये मज़ा कर रहा है यहाँ पे। ये इन्होंने कुछ दिया हुआ है, इसमें कोई एक मास्क है, वही कुछ हेडफोन है यहाँ पे, और कुछ टिश्यू भी हैं, कुछ टूथब्रश भी हैं इसमें अंदर, कुछ ये वीडियो डाली हुई है ट्रेन की, फिदक की। तो ये आपको कुछ मैं दिखा रहा हूँ थोड़ी सी। हसनैन भाई ने कुछ ऊपर से बैग उतारा है, तो इसमें क्या है हसनैन भाई? भाई इसमें ये कंबल है एक, अच्छा ये बड़ा कंबल है, अच्छा उसके अलावा तकिया वगैरह और चादर वगैरह पड़ी हुई, अच्छा है। ये इसमें सारा सीन है, अच्छा ये बहुत ही अच्छे है। ये चारों लोग होंगे, चारों बैग ऊपर पड़े हुए, अच्छा चार कुल टोटल बैग है, वो भी काफी जगह ले रहे हैं, नहीं होते तो सारा सामान सुकून से। सही सही, आपको मैं बता रहा हूँ, ये कुछ टी टेबल है, और ये रिमोट, ये इंटरनेट लेडर है ये, और ये वार्निंग्स ब्रेथ लिखा हुआ है। तो ये कुछ ऐसा है सीन, तो और भी दिखाते हैं आपको इसमें क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे कुछ नेविगेशन लिखा हुआ है, और फिलामेंट म्यूजिक, अबाउट अस, और सर्विस गाइड। कोई ईरानी फिल्म्स भी आप चला सकते हैं, और म्यूज़िक के और बहुत सारी एनिमेशन्स हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, कॉमेडी फिल्म है, और ऑडियो बुक है, और पर्शियन मूवीज़ भी हैं जो आप देखें। ये नेविगेशन हम दिखा रहे हैं, तो ये देखें कुछ रेल का अपना बना हुआ है, कोई ये ट्रैक बता रही है, तो मैं क्लोज कर रहा हूँ, ये देखें आप, ये कुछ किलोमीटर्स और ये कुछ बता रहा है, लेकिन ये फारसी में मुझे खुद नहीं आ रहा है समझ में, तो ये कुछ सीन ऐसे है। तो ये कोई ऊपर से इन्होंने लाइट लगाई हुई है, बहुत ही रोशनी कर रही है। तो कासिम भाई आप कैसा समझ रहे हैं इस ट्रेन को? भाई ये 5-star ट्रेन है, इसमें बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं, बहुत ही अच्छा फैब्रिक यूज़ किया हुआ है, और इसमें मल्टीमीडिया टीवी दी गई है, इसमें आप मूवीज भी देख सकते हैं, गाने भी सुन सकते हैं, और जो है नेविगेशन का इसमें सिस्टम इंस्टॉल हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हाँ, ये तो चल रही है बिल्कुल, ट्रेन की स्पीड, ट्रेन कहाँ पहुँची है, सारा कुछ जो है ना वो ट्रेन खुद ही बता रही है, सही पर्शियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो कुछ, लेकिन वो स्पीड समझ आ रही है कुछ ना कुछ। हाँ, और जो हमें चीज़ें दी गई हैं इसमें,
दिया गया, मतलब मास्क दिया है, सैनिटाइजर दिया है, सही, और कॉम्बिंग वो हेयर वाला जो होता है वो, सही, और जो है इसमें टिश्यू पेपर की सहूलत भी है, यहाँ पर डस्टबिन है हमारी, हाँ वो सही, और जो है आप नीचे से देखें तो यहाँ पे शूज भी दिए गए हैं, स्लीपिंग शूज हैं ये, और इसके नीचे चार्जिंग सोलर्स दी गई हैं दो, इसमें मतलब बहुत ही चीजें हैं, जैसे आप होटल में बैठे हो जहाज की तरह। और दूसरी चीज ये है, अगर आपको लाइट चाहिए रात के टाइम तो आप इसको प्रेस करेंगे ना, ये सारे टच बटन हैं, इसमें आप टच करेंगे तो लाइट चल गई बिल्कुल। और इसमें मतलब ऊपर से भी यही मतलब दिया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट, मतलब ये कि कोई आपको मतलब किसी को बुलाना हो जो भी है, ट्रेन की ओनर जो भी है, तो यहाँ पे सिगरेट पीना मना है, सिगरेट पीना मना है। और यहाँ पर ये जो है लाइट है, ये ऊपर वाली लाइट देख रहे हैं आप, इसको मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रेस करके बता रहा हूँ, ये बंद हो गई, ये देखें आप, एलईडी टच बटन से, अच्छा, रात के टाइम आप सो रहे हो तो ये आप बंद कर सकते हो, लेकिन आप स्टार्ट करने एक बटन से टच करेंगे ना ये चल जाएगा। और ये क्लाइमेट कंट्रोल की तरह इसका मतलब एयर कंडीशनर सिस्टम है, इसमें यहाँ से आप ठंडी हवा आपको चाहिए तो ठंडी हवा, यहाँ से रूम टेम्परेचर चाहिए तो आप बीच में लगा देंगे, यहाँ पर हीटिंग सहूलत है, वहाँ पर भी एलईडी लाइट का वो है सिस्टम है, अगर आप सो रहे हो ये लाइट मतलब ये ऑन हो, आप चाह रहे हैं ये ऑन हो जाए, ये टच करके आप बना सकते हो। ऊपर आप जो है ये स्लीपिंग बैग्स दिए गए हैं इन्होंने, पिलो और पिलो और ब्लैंकेट दिए इसने, ये क्या दो इस तरह से ये और हैंगर भी है यहाँ पे, अगर आप कोट टांगे यहाँ पे सकते। और भी सहूलतें मतलब पानी दिया हुआ इन्होंने, और जो है हमें डिनर भी मतलब उन्होंने कहा है कि आपको फैसिलिट करेंगे डिनर में, मेन्यू में से जो भी चीज़ आप सेलेक्ट करेंगे वो आपको मिलेगी, अभी तक मिला नहीं है कुछ, अब मिले तो अब मैं आपको बता दूंगा वहाँ से। और जो है मतलब ये जूस हमें देखी गई थी जब हम बैठे थे, वेलकम ड्रिंक जिसको कहते हैं जूस, और टिश्यू पेपर का बॉक्स भी पड़ा हुआ है, ये बहुत मतलब खोल दिया है हमने, वाईफाई की पानी भी, मतलब आपकी टिकट नंबर उसमें डालेंगे और दूसरी चीजें फोन नंबर डालेंगे तो आपकी वाईफाई वो भी फ्री है यहाँ पे, वो भी चल जाएगी। शुक्रिया आपको बताने, कोई बात ही नहीं। अश्वत भाई आप क्या मोबाइल चला रहे हैं? जी भाई। तो ये आपको ट्रेन कैसे लग रही है? ट्रेन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। अच्छा जी जी बेहतरीन। तो ये आप बैठे हैं जो जी, तो ये सीट आप कैसे महसूस कर रहे हैं? माशाल्लाह कंफर्टेबल है। मैं आपको बता रहा हूँ ना भाई, कंफर्टेबल नहीं है उर्दू में, आप चाहें तो ये सिंधी में स्विच होके आपको बता देगा। ठीक है। और बाहर आप देख रहे हैं वो बर्फ जमी हुई है उसमें, ये नजारा दिखाओ ऑडियंस को बाहर का नजारा दिखा गया है, आप जाए मैं गेट खोल देता हूँ, आप जाए दिखा के बोलो ना। ये कुछ एलईडी चल रही है, ये देखिए। तो ये यहाँ पे हमने कॉफी कही है इनको, ये डाल रही है कॉफी, हमें कॉफ़ी मिल चुकी है। और ये कुछ केक टाइप इन्होंने दिया हुआ है दोना कैटरिंग, ये पता नहीं केक है या कोई और चीज़ है, इसको खा के ट्राई करते हैं और फिर आपको बता दें। ये कोई केक टाइप है तो इसको अंदर क्रीम डाली हुई है, तो ये अभी ट्राई करते हैं फिर आपको बताते हैं। आपका भाई ये ट्राई कराए। ओए होए 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 क्या बात है, बहुत बेहतरीन केक है और फ्रेश साथ में क्रीम भी डाली हुई है, ये तो क्या ही बात है, मज़ा वैसा आ रहा है। भाई डिनर आ चुकी है और यहाँ पे कोई इन्होंने बन दिया है कुछ, यहाँ पे सॉस है कोई और यहाँ पे कुछ इन्होंने ये कबाब और ये कुछ रोटी की तरह बना हुआ है, कुछ यहाँ पे वंगी डाली हुई है, ये बहुत ही बेहतरीन है। और ये कुछ सैलड दी हुई है इन्होंने और साथ में ये जमजम इन्होंने कोल्ड ड्रिंक दी हुई है, तो ये सारा सीन ऑन है अभी, तो ये अभी खा के ट्राई करेंगे और बहुत ही बेहतरीन लग रहा है देखने में, डिलीशियस। तो ये कुछ सारे बंदे हमारे बैठे हुए हैं,
कोई पिक्चर बना रहा है, कोई खाने की सेटिंग कर रहा है। तो ये सारा सीन होने अभी, तो अभी आइए इसको ट्राई करते हैं। देखें जी, मैंने बर्गर तैयार कर लिया है, इसको काट के बन को और अंदर फिलिंग कर दी है, तो ये बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। तो अभी इसको भाई आपका ट्राई करेगा और बहुत बेहतरीन है। तो जी, फजर की नमाज के लिए उतरे थे, तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है और पानी जम गया है, तो वजू के लिए मसला नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि यहाँ बर्फ़ ही ना, पानी जम चुका है सारा टेंकियों का। तो ये कुछ सीन ऐसे है यहाँ पे, तो ये आपको बर्फ दिख रही है, तो ये देखो सारी बर्फ है बाहर, पानी जम चुका है। तो अभी ये कैसे हम नमाज नहीं पढ़ सकते अभी, तो आगे जाके देखेंगे, जहाँ पे पानी नहीं जमा होगा तो वहाँ पे पढ़ेंगे नमाज। आपको हम दिखा रहे हैं मशहद में, कोई एक घंटा अभी बाकी है, तो ये सारी एरिया बर्फ में, ये आप देख सकते हैं, ये सुबह का टाइम है और ये सारी बर्फ है, पटरियों के ऊपर भी ये बहुत सारी बर्फ है इधर। तो ये कुछ सीने से नीचे उतर रहे हैं नमाज के लिए, तो यहाँ पे कुछ स्टेशन है, तो ये आप देख सकते हैं बर्फ है बहुत सारी, कुछ एरिया साफ है। तो यहाँ पे कुछ सिस्टम है कोई गर्म पानी का, वैसे नहीं था सीने, सारी यहाँ पे बर्फबारी हुई है और पहले सीजन पे तो नहीं था पानी जमा हुआ था, तो इस पर कुछ गर्म है। तो ये आप बर्फ देख सकते हैं, तो ये देखें, और ये अभी बुला रहे हैं सबको कि ये बुला रहे हैं कि आ जाएं, तो ये ट्रेन चले। तो ये आप देखें कितनी बर्फ है, ये देखें, ये कुछ सीने से सारी स्टेशन में बर्फ भरी है। तो ये बहुत ही बेहतरीन व्यू आ रहा है बर्फ का, सारा कवर्ड एरिया बर्फ है, ये बहुत ही बेहतरीन है, ये देखिए आप नीचे देखिए आप, फिसल ना जाए, थोड़ी केयर करनी पड़ेगी। वहाँ से कुछ डॉग्स पे खड़े, तो अभी ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये हम पहुंच गए, तो ये सब हमारे बंदे बैठे हुए हैं, ये अबू बैठे हैं, अरे भाई अब्बास भाई और यासद भाई मोबाइल चला रहे हैं, इन्होंने नमाज पढ़ ली। तो आप सीन, सबका सीन कैसा है, नमाज पढ़ ली आपने? हमने नहीं पढ़ी, असल में क्या है ना, वो तो कपड़े खराब हो गए थे। हसनैन भाई को मोबाइल जला रहा है, आपने नमाज पढ़ ली? हाँ भाई उतने थे पर नमाज नहीं पढ़ी। अच्छा सही, वो टॉयलेट में सुसु के ड्रॉप्स लग गए थे, वो पता नहीं कोमोड वो खराब था, हमको आदत नहीं है ना कोमोड पे, हम WC यूज करने वाले हैं। चलो ठीक है, अब पूरी सुबह हो चुकी है और ये सुबह का व्यू आ रहा है, कवर्ड एरिया बर्फ में, और ये बहुत ही बेहतरीन व्यू आ रहा है, नीचे पत्थरियाँ चल रही हैं, हो चुकी है मेरे ख्याल से, तो ये अभी नीचे पड़ी हुई है, तो ये बहुत सारी बर्फ है। तो ये मैं आपको कुछ दरख्त भी दिखा रहा हूँ जो आ रहे हैं सामने, तो ये देखें, तो ये लाइन से लगे हुए दरख्त भी और इसके बीच में बर्फ है सारी। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जब तक मेरी आंख जा रही है और कैमरा की आंख जा रही है, बर्फ ही बर्फ है। तो ये बहुत सारे एरिया बर्फ में है और ये सुबह हो रही है, और तो ये कुछ सुबह का सीन है, बहुत ही बेहतरीन व्यू आ रहा है बर्फ का, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। सुबह हो रही है और ये आपको सूरज निकलता हुआ दिख रहा हो, तो मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, तो ये देखिए सूरज भी निकल रहा है और सुबह हो चुकी है, और
ऊपर से बर्फ पड़ी हुई, नीचे बहुत ही बेहतरीन व्यू आ रहा है और ये कुछ और ही मज़ा कर रहा है बर्फ और सूरज निकलते हुए। तो ये कोई सुबह का टाइम है, बहुत ही बेहतरीन। तो ये देख सकते हैं आप, मशहद सिटी के बाहरी हदूद में हम पहुंच चुके हैं और ये अंदर की तरफ जा रहा है कोई ट्रेन का रास्ता। तो ये कुछ बहुत ही बेहतरीन सीन है, सुबह हो चुकी है और ये कुछ बर्फ पड़ी हुई है। तो ये बहुत ही बेहतरीन सीन है, इमाम रज़ा करोड़ा सामने दिख रहा है। ट्रेन से उतर के अभी स्टेशन मशहद पे पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ सीने से ब्रेक पड़े और लिफ्ट में हम जा रहे हैं नीचे। हम लिफ्ट में जा रहे हैं नीचे क्योंकि हमारे पास सामान बहुत था तो सीढ़ियों से फिसल सकते थे, तो हमने लिफ्ट के जरिए नीचे जा रहे हैं। ग्राउंड खुल चुकी है, चलते हैं। साइड पर हम पहुँच गए लिफ्ट से आके, तो अभी अंदर की तरफ जाएंगे। तो अंदर मशहद का ये रेलवे स्टेशन बना हुआ है। सुबह हो चुकी है और रेलवे स्टेशन में अंदर हम पहुंच चुके हैं और सारे ये लड़के बैठे हुए हैं, ये देखो। तो सुबह का मंजर है, बहुत ही बेहतरीन सूरज भी निकला हुआ है। तो बहुत ही बड़ी स्टेशन है और यहाँ पे कुछ अभी है पिंटे की है, सैंडविच है और बहुत सारे यहाँ पे खाने के वाले से बने हुए हैं सिस्टम। रेलवे स्टेशन से बाहर निकल गए और यहाँ पे कुछ टैक्सियाँ और वैंस खड़ी हुई हैं, तो देखते हैं किस में बनता है हमारा कोई सिस्टम। तो ये अरब भाई अभी कुछ बात कर रहे हैं, दिखाते हैं जो होगा पे पहले ली फिर कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू वो बता रहे हैं। कोई ईरानी कोई 84,000 तुमन बनते हैं उन्होंने हमसे लिया और अभी हम जा रहे हैं, कोई हमने वैन करवाई हुई है तो उसकी तरफ जा रहे हैं ताकि सारा सामान आ जाए उसमें। टोटल 8 बंदे हम, हमारे बैग बड़े हैं ना ये, तो उसकी वजह से हमने वैन करवाई है तो सब एक साथ जाएं। तो अभी जा रहे हैं। तो ये वैन है मेरे ख्याल से, ये ग्रीन करवाई है ये वाली, तो टैक्सी है ये, उधर जाएंगे बैठेंगे फिर होटल जाएंगे फिर वहाँ पे आपको बाकी का बताएंगे। 84,000 तुमन कहा पहले, तो कुछ सामान को देख के उन्होंने कहा कि सामान आपका ज़्यादा है तो 1,20,000 लगेंगे। अभी कुछ सीने से तो सामान को देख के इन्होंने थोड़ा सा रेट को बढ़ा दिया, सामान ज़्यादा है वैसे भी। 8 ऐसे बड़े बैग हैं और कुछ हर एक के पास अपना ये कुछ हैंड कैरी भी है, तो उसकी वजह से ये कुछ यहाँ पैसे कह रहे हैं। ट्रेन में हम बैठ चुके हैं और ये कोई अभी होटल की तरफ जा रहे हैं, तो देखते हैं होटल भी रेट भी मालूम करेंगे और वहाँ पे कुछ रूम भी देखेंगे। तो ये अभी कोई मेट्रो स्टेशन है कोई, शहर की तरफ अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो ये बहुत बर्फ पड़ी हुई है यहाँ पे, ये देख, ये रेलवे स्टेशन है, मशहद की बहुत बड़ी रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन के करीब कोई मेट्रो स्टेशन भी साथ ही है, जैसे लोकल कोई अगर ईरानी हो तो मेट्रो स्टेशन के ज़रिए अपने शहर में यहाँ तक भी जा सकता है। तो सीने से कोई चुके हैं और ये हमारा होटल है और ये बहुत ही नया होटल उन्होंने बनाया हुआ है और ये बाहर से इसका लुक है होटल का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आइए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो ये होटल की कोई पार्किंग है जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये पार्किंग है यहाँ पे और इस साइड पे भी। तो ये अंदर की तरफ चलते हैं, ये होटल नबी है। तो आइए अंदर दिखाते हैं आपको क्योंकि सुबह हो रही है और अभी लाइटें मेरे ख्याल से इन्होंने नहीं चलाई।
कुछ सीन ऐसे यहाँ पे कुछ सेटिंग बनाई हुई है इन्होंने, ये देखें बैठने की जगह है और ये बैठने की जगह है। तो वहाँ पे कुछ आग भी चल रही है, एक बंदा सोया हुआ है, तो कुछ सीन ऐसे है। वो ये कोई इन्होंने रिसेप्शन बनाई हुई है अपनी। तो ये दो लिफ्ट हैं यहाँ पे, तो आइए लिफ्ट में चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको हमारा फर्स्ट पे है ये। तो ये मैंने फर्स्ट पे लगाया और हम सीढ़ियों से जा सकते हैं, लेकिन ये आपको मैं दिखाने के लिए आया हूँ यहाँ पे। तो कुछ सीने से लिफ्ट में और ये कैमरा अब लगी हुई है यहाँ पे, तो उन पे पहुँच चुकी है और आपको दिखाते हैं। तो ये जी आ गए हम वन पे और एक हमारा ये रूम है 101, ये रूम है 101 और एक 103 है वो। तो आपको वहाँ पर चलते हैं और दिखाते हैं। ये किचन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सीने से कुछ ऊपर से भी इन्होंने बनाए हुए हैं। तो बाकी ये कि ये हमारा रूम है। अस्सलाम वालेकुम। और ये अशमत भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है अशमत भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कर गया। आए 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 तस्वीर लाइए। और एक ये हमारा बंदा अभी नमाज पढ़ के फिर से सो रहा है और ये कासिम भाई है। असल में जुम्मे का दिन है ना, वो ब्रेकफास्ट वाला वो दुकान बन के चला गया, इसको भूख लगी अब ये से पड़ा है। अच्छा तो कुछ सीन ऐसे जहाँ बसनिन भाई सोते हैं और ये यहाँ मैं सोता हूँ, यहाँ कासिम भाई कुछ सीने से और यहाँ पे कुछ ये हीटर है भाई, यहाँ पे वो और ये हीटर है कोई मोज़े सुखाने के लिए रखते हैं, गर्म हवा देता है ना, असल में वो बदबू जाती है फिर। तो यहाँ पे हीटर हमारे करीब है और हशमत भाई बहुत ही दूर है, इनको थोड़ा ठंड लग रही है रात के टाइम में। तो ये कोई सुबह से मोबाइल चला रहा है क्योंकि रोटी नहीं मिली है कोई, हम अभी कोई केक मंगवाएंगे तो वो खाएंगे चाय के साथ। चाय का पानी भी खत्म हो गया ना, वो भूल गए वो लोग। अच्छा वो भी ले आएंगे। तो कुछ सीन ऐसे है, तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं जो हमने बैग यहाँ पे फेंके हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ बैग पड़े हुए हैं। और एक रूम और भी दिखा रहा हूँ आपको मैं जो हमने लिया है, एक रूम ये। तो कुछ सीन ऐसे है यहाँ पे। तो आइए दूसरा रूम आपको दिखाते हैं। तो ये भी रूम हमारा खुला ही हुआ है, कोई आया है बंदा पहले से। तो ये तीनों बैग पड़े हैं हमारे इस रूम में और यहाँ पे कुछ बैठने की जगह है और इसमें फ्रिज भी है और किचन भी बना हुआ है और सीने से कुछ और एक बेड यहाँ पे है। और अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई, कैसे हैं? तो ये यहाँ पे तीन बेड लगे हुए हैं, यहाँ पे भी आरिफ भाई सोते हैं, यहाँ पे अब्बास भाई, वहाँ पे असद भाई। तो यहाँ पे भी कुछ हीटर इस तरह से लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ अलमारी बनाई हुई है इन्होंने और यहाँ पे फिर से सेटिंग की जगह है बैठने की। तो यहाँ पे खिड़की भी है। तो ये कुछ अपार्टमेंट टाइप का ये इन्होंने कुछ दोनों बनाए हुए हैं और ये कुछ सीने से। तो यहाँ पे भी कुछ मिरर लगा हुआ है देखने के लिए। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन है ये अपार्टमेंट। और ये हमें कोई ये मिला था कोई तकरीबन एक रूम अपार्टमेंट के साथ, ये कोई हमें मिला था 1,10,000 तुमन। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो ये कोई हमें मिला था कोई 750 बनते हैं अपने रुपीज़ में हिसाब करें तो। तो ये सीन अभी कुछ अच्छा है यहाँ पे, बेहतरीन सा है। लिफ्टें भी हैं दो इसमें और तो ये सब। ये अब्बास भाई भी आ रहे हैं, इसको केक बोला था हमने, वो लाए तो चाय के साथ पियेंगे। तो एक रोटी वाला था वो तो नहीं है, जुम्मे का दिन है, वो बंद पड़ा हुआ है। तो कुछ अब सीने से तो देखा है अब्बास भाई कौन से केक लाए थोड़ा सा। तो ये कुछ डोनट हैं, कुछ मुख्तलिफ केक हैं यहाँ पे,
तो अभी खाएंगे चाय के साथ और मजा करेंगे। पाकिस्तानी बनना भी बढ़िया है, पाकिस्तानी बनना आज कह रहे हैं कि कोई पाकिस्तानी बन भी लाए कोई इसके केकों के साथ, वो भी ट्राई करेंगे चाय के साथ। तो सीने से कोई दिखाएं पाकिस्तानी बन, ये देखें जैसे अपने पाकिस्तान में मिलते हैं बन, तो उस तरह की। और ये किशमिश में डोनट भी दिखाएं थोड़ा सा, और ये डोनट है जो हमारा फेवरेट है जो खाते हैं चाय के साथ।